तो अभी जो है बरसात के दिनों में, अभी के समय में आप किसान भाई ले रहे हैं लौकी, नेनुआ, करेला, तोरी, भिंडी वगैरह, तो ये कुकुरबिटस क्रॉप जिसे हम लोग लत्तेदार सब्जियां कहते हैं, लत्तेदार सब्जी ले रहे हैं, कुछ हद तक आप फ्रेंच भी ले रहे हैं, बोधी भी ले रहे हैं। तो किसान भाइयों, अभी जो सब्जी लगी हुई है, अभी बारिश हो रही है, तो ऐसे समय में आपको औद्यानिक फसल ही लेना पड़ेगा और औद्यानिक फसल में सब्जी को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो सब्जी फसल में अभी आप देख रहे होंगे आपके खेत में घास खरपतवार बहुत ज़्यादा होंगे। किसान भाइयों, खरपतवार रोग का भी कारण है, कीड़े का भी कारण है, और पोषक तत्व जो जमीन जमीन में उपलब्ध है वो मुख्य फसल को होना चाहिए था, सब्जी को मिलनी चाहिए थी, वो पोषक तत्व भी खींच रहा है, जगह वगैरह का उपयोग तो कर ही रहा है, तो खरपतवार उसका दुश्मन है और ये खरपतवार बरसात के दिनों में ज़्यादा होते हैं। तो खरपतवार की सफाई निश्चित रूप से आप करें पूरी तरह। दूसरी बात, पानी की अधिकता है, पानी की कमी नहीं है, पानी की अधिकता हो सकती है या मान लीजिए सफिशियंट है, तो जब अतिवृष्टि हो जाए, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, उस समय पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, जल जमाव पौधे के आसपास नहीं होना चाहिए। इसलिए आप जो अभी फसल है उसमें रोपाई करने से पहले आप मेड़ वगैरह तो बनाए थे, लेकिन हो सकता है वो मेड़ टूट फूट गया हो या उसमें कुछ क्षति हो गई हो, तो वो मेड़ की ठीक से बंधाई कर लें। जल निकासी की जो व्यवस्था आपने की है ठीक से दुरुस्त कर लें, इसलिए कि अभी इस साल आप देख रहे हैं कि बारिश जो हो रही है, ये बारिश लेट से शुरू हुई है और अब बारिश हो सकता है ज़्यादा हो, तो जब समय था उस समय बारिश कम हुई और जब सब्जियाँ आ रही हैं उस समय बारिश ज़्यादा हो सकती है, तो ये ज़्यादा बारिश हानि भी पहुँचा सकती है। तो इसके लिए जो पानी है, ज़्यादा पानी जो होगा खेत में वो जमाव के रूप में नहीं होना चाहिए, निकल जाना चाहिए, इसलिए जल निकासी की पूरी व्यवस्था दुरुस्त रखें। किसान भाइयों, आप जो सब्जी लगा रहे हैं उसमें कीड़े और रोग लगेंगे, कीड़े रोग वाहक होते हैं, कीड़े आ रहे हैं तो वो रोग भी लेकर के आएंगे, वो तो वो छेद करेंगे ही, फली को तोड़ेंगे, खाएंगे, पत्ती को खाएंगे, वो कीड़े भी वो रोग भी लाएंगे। तो रोग कैसा लग रहा है, रोग आपका बैक्टीरिया से भी लग सकता है, फंगस से भी लग सकता है और वायरस से भी लग सकता है। तो जो वायरस का रोग, जिसे जैसे आप मोजैक देखते हैं, जो बोधी वगैरह में पीली 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 पत्ती में धारियां हो जाती हैं, वो मोजैक होता है, तो मोजैक का कोई उपाय नहीं है, आप जैसे जैसे उस दिखता है पत्ती, उसको उखाड़ करके पौधा को उखाड़िए और नीचे ज़मीन में गाड़ दीजिए या जला दीजिए, तो वायरस का कोई उपाय नहीं है। लेकिन प्रिवेंशन है, मनाही कर सकते हैं हम कि भाई ये वायरस तुम यहाँ पे आ करके रोग पैदा मत करो, तो कौन लाता है, तो कीड़ा ही लाता है, तो कीड़ा के लिए जैसा कि हमने बताया कि कीटनाशी, जैविक कीटनाशी का आप उपयोग करें। एक और अच्छी बात है कि जीव भी होता है, जिसे हेलिकॉस ऐसे करके दवा आती है, तो वो क्या करते हैं ना, ट्राइकोग्रामा, ये क्या करते हैं, ये पत्ती से लगा देते हैं, पौधे से लगा देते हैं, और इसमें कीड़े होते हैं, जो वो कीड़े जो बीमारी पैदा करते हैं वो कीड़ों को खाते हैं। तो ये आप इस्तेमाल करें, सप्ताह में एक दिन लगाया जाता है वो पत्ती के निचले भाग में, जहाँ पे अंडा कीड़े देने वाले लगते हैं वहाँ पे, और ये अंडा पे अंडा देती है, ये जो जीव है अंडा पे अंडा देती है, वैसा अंडा जो कि हानिकारक है, हमको रोग पैदा करता है, वो अंडा को ये मारती है, तो जीव जीव को मारता है, तो ये अच्छा है, जीव जीव को मारे और वो जो कीड़ा जो डैमेज कर रहा है वो कीड़ा मर जाए और हमारा फसल की सुरक्षा हो जाए। तो हम जैविक कीटनाशी का उपयोग करें, जैविक उत्पाद का उपयोग करें जो कि कीड़े मारने या भगाने में मदद करता है, और ऐसी चीज़ का उपयोग करें जो बीमारी भी पैदा नहीं करेगा।